सबसे पहले यदलापुर के तमाम वासियों की ओर से हमारे यदलापुर में आयोजन हो रहा है पवित्र श्री भगवत कथा श्रीमद् भगवत कथा आयोजन करने आए हुए परम पूजनीय आचार्य कौशिक जी महाराज वृंदावन से पधारे, उनके चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। मेरा हमारा गांव की तरफ से सभी प्रणाम। और सबसे बड़े हमारे कर्नाटक के सबसे पवित्र मठ हरकोड जो बसो कल्याण तहसील में पड़ता है, वहाँ के सबसे जनवीर शिवाचार्य महाराज जी, उनके चरणों को नमन करते हुए उनका भी आगमन हुआ है। सबसे यदलापुर के तमाम गांव के ओर से उनको भी प्रणाम करता हूँ। मैं कुछ ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मंच पर उपस्थित दोनों महासज्जन, क्योंकि समय का भाव यही कहता है कि सबसे कम में बोलो। महाराज जी, मैं हरकोड मठ के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो महाराज जी का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हुआ है वो एमएड पीएचडी है, सबसे पढ़े लिखे महाराज में गिने चुने हैं। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री की ओर से कर्नाटक का सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है वो महाराज जी को मिला हुआ है। उसका कारण ये है महाराज जी कि यहाँ आसपास के जितने भी जिले, उनके भक्त लोग जितने भी आते हैं, उनके पास सिर्फ ये बीदर बसो कल्याण तक सीमित नहीं है, गुलबर्गा आलंद बीजापुर तमाम कर्नाटक के भक्त लोग आते हैं, महाराज जी से दर्शन लेते हैं। और इनकी सबसे बड़ी जो खासियत है, जो बच्चों को शिक्षा मुफ्त में दी जाती है, दसवीं तक की जितने सबको आश्रम जैसा बनाया हुआ है, सब बच्चों को शिक्षा दसवीं तक फ्री दी जाती है, खाना दिया जाता है, लंगर लगता है, भंडारा लगता है। हम सब तो जा चुके हैं, मेरा ये इच्छा है कि आप भी एक बार महाराज जी के मठ को पधारे। आजकल तो एक मठ एक बार देख ले, कल चलेंगे महाराज जी के मठ को। और सबसे बड़ी चीज़ जो लंगर लग जाती है, भंडारा जिसको हम अन्नदान यहाँ पे कहते हैं, वो जो भंडारा लगता है, जितने मर्जी लोग जवार की रोटी सब्जी दाल सब कुछ मिल जाता है, रात 24 घंटा खाना मिल जाता है। बस महाराज जी के बारे में कहना चाहता हूँ, महाराज जी हरकोड महाराज जी को, कौशिक जी महाराज के बारे में दो बात कहूँगा, ज़्यादा नहीं। परम पूजनीय जो कौशिक जी महाराज यहाँ पधारे हुए हैं, सबको ताजुब होगा कि इतने छोटे गाँव में कैसे आए, हम भी हैरानी है। जो मेरी माँ ने मुझे बताया कि सब कुछ होने के बाद बेटा कि महाराज जी पधारे तो हम तो चौंक गए, पहले कभी जमीन हिल गई, क्योंकि हमें पता नहीं इतना बड़ा आयोजन हमने कभी किया नहीं, इतने बड़े महाराज आ रहे, क्या करना कैसे करना कैसे होगा। अभी लग रहा है कि 6 दिन बीत गए, सब कुछ ठीक है, महाराज जी कुछ आपके व्यवस्था में कमी रही है, दिल से क्षमा चाहते हैं सारी ओर से। और आपके बारे में कहने के लिए ये पुस्तक काफ़ी नहीं है, मैं दो बात कहूँगा आपसे। पहला है कि श्री कामधेनु कैंसर अस्पताल, जिसके सहायता से महाराज जी यहाँ पे कथा कर रहे हैं, जितना हो सके उतना अपना सहयोग दे। 225 करोड़ की लागत से ये अस्पताल बन रहा है। और सबसे खुशखबरी है कि 6 एकड़ जमीन की कल कार्रवाई शायद हो चुकी है, और शायद महाराज जी आपको ना बताएं, मुझे पता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी हिंदुस्तान 2027 में उस अस्पताल की ओपनिंग होगी, जितने भी कैंसर पेशेंट होंगे सबके इलाज होगी वहाँ पे। और महाराज जी के ऐसे ऐसे कार्य हैं, जो गौशाला चलाते हैं, सबसे बड़ी चीज़ उनके 3 गौशाला है, एक मंडला मध्य प्रदेश में, 2 वृंदावन में है। और महाराज जी ने एक अपने आप में क्या कहते हैं उसको, जब तक 1,01,000 गाय नहीं होंगे तब तक अन्न नहीं खाएंगे, 25,000 नंदी नहीं होंगे तब तक अन्न नहीं खाएंगे। और महाराज जी पिछले कई सालों से सिर्फ 3 ग्लास दूध पे हैं। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कहने को तो बहुत कुछ है, आखिरी दिन कहूँगा जो भी बचा कुछ है महाराज जी के बारे में। अभी मैं श्री हरकोड चंद्रवीर शिवाचार्य को आग्रह करूँगा कि तो बात है।